सचिकाल तुसी वेख रहे एवन पंजाबी टीवी ते मैं हां ताड़े ना अनीता शर्मा। सब तो पहला नजर मार दे आज दियां सुर्खियां ते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पुरब दे मौके संगता होया सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों कौम दे नाल संदेश कीता गया जारी। हलका मजीठा विखे विकास कार्यां लई वंडे गए चैक। अमृतसर विखे मकान की छत डिगण कारण बच्चे की हुई मौत। कपूरथला पुलिस वालों एक चोर नू काबू कर 11 साइकिल किए गए बरामद। बीजेपी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा वालों की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिंड सैदोके विखे सरपंच अमरिंदर सिंह पंचायत समेत अकाली दल विच होए शामिल। लहरा गागा विखे बस स्टैंड के नवीनीकरण लई जारी हुई राशि। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पुरब दे मौके संगता वड्डी गिनती विच सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होईयां ने। कोरोना आफत दौरान सावधानियां दे मद्देनजर प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है, जिवें हर साल देश विदेशा तो संगतां श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होण पहुंचदियां ने। सर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां इतनी मतलब भीड़ आई हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ माथा टेकें, क्योंकि दो दिन बारिश होने के बाद भी इतनी भीड़ है तो कहीं ना कहीं बहुत मान्यता है। और मैं यूपी वालों से भी दुआ करूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आओ और माथा टेको आके। आज पावन पर्व है गुरु जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मेरा नाम है अनिल देसाई, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, सांगली डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे दरबार साहब के दर्शन करके बहुत आनंद आया, सुकून मिला, शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। और हर साल हम आते हैं यहाँ पे और हर साल दरबार साहब के दर्शन करके यहाँ रुक के चले जाते हैं। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह, हरियाणा तो आया जी, पिंड फरल तो। साडा स्कूल है गुरु नानक देव पब्लिक स्कूल है ते अज मैं समूह संगत नूं जगत विच वसदे सारे संसार वासियां नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे प्रकाश पर्व दियां लख लख वधाइयां देना वा। महाराज साहब दी चढ़दी कला करन स्पैशल असीं अज गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास बेनती करन आए सां। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों सिख कौम दे नां संदेश जारी कीता गया। इस मौके उन्हां वल्लों दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन ते चानना पाउंदिआं संगतां नूं उन्हां दे दसे मार्ग ते चलण दी अपील कीती गई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दीन दुनिया दे वाली तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब समुचा सिख जगत मना रहा है और इस महान धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के प्रकाश पुरब दियाँ समुचे सिख जगत नूं गुरु नानक नाम नेवा सिख संगतां नूं गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 मुबारक बधाइयां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज संसार दे ऐसे महान सतगुरु ने जिन्हां ने अपना पिता, अपने माता जी और अपने चारे पुत्रां नूं धर्म लई कौम लई कुरबान कीता है, मनुखी हक्कां लई कुरबान कीता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पंथ भौतक तन दे विच विचरदिआं जुलम के खिलाफ उस वक्त के साम्राज के नाल 14 जंगा लड़िया ने और 14 दे विच फतेह हासिल की है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने तख्त श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते संपूर्णता बख्शी। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी शामिल करके विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र सारियां सियासी पार्टियां चोण प्रचार विच लगियां होईयां ने ते जेकर गल हलका मजीठा दी कीती जावे तां भगवंत पाल सिंह सच्चर वल्लों विकास कार्यां लई चैक बंडे गए ने ते मजीठा हलके विच विकास कार्ज पूरी तेजी नाल करन दी गल वी आखी गई है। अज पंजाब दे मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी वल्लों पंजाब निर्माण अधीन सारे विधानसभा हलकियां नूं जिहड़ियां ग्रांटां ने ओह दित्तियां जा रहियां ने, उस ही लड़ी के तहत साढ़े विधानसभा हलका मजीठा दे विच भी पंजाब निर्माण के तहत सानू ग्रांट मुख्यमंत्री पंजाब जी वल्लों भेजी गई सी। वो अज असी ब्लॉक तरसिका ते ब्लॉक मजीठा दे वक्ख-वक्ख पिंडां नूं जिहड़ियां ओह ग्रांटां ने ओह दे दित्तियां गईयां ने।
उन्होंने वंट दिए गए हैं पैसे, जेड़े कुछ रह गए हैं वो आने वाले एक दो दिन के असी होर भी बाकी जो पिंड रह गए हैं उन्होंने वो ग्रांट दी मुहैया करवावे। ये साढ़े को लगभग 12 करोड़ रुपया विधानसभा हलका मजीठा में आया सी, इस असी दर बाई दर जिहड़े ने वो सारे पैसे वंट रहे हैं। अमृतसर विखे पिछले 2 दिनों तो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलदे जवाहर नगर विखे एक वड्डा हादसा हो गया, जिथे बारिश कारण एक मकान की छत डिगन नाल एक बच्चे की मौत हो जाने का मामला सामने आया। शुरू तो तुहानू मैं दस्या अंदर लम्मी पई, पहले मैं झाड़ू चूड़ू मारिया अंदरों, फिर मैं लम्मी, मैनू ठंड लगी, मैं लम्मी पै गई, लम्मी पैन नाल मैं कंध दे नाल ही लग के चौंदा सी, मैं कंध दे नाल लम्मी लग पै के मामूली चोटा लगी है, बच्चे की डेथ हो गई, कार्रवाई कर। कपूरथला पुलिस वालों चैकिंग के दौरान एक शख्स नू चोरी दिया साइकलां दे समेत काबू किया गया अते जांच दे दौरान इस शख्स तों 11 साइकलां दे समेत 5 ग्राम हैरोइन भी बरामद की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अज जी साढ़े मानयोग SSP साहब श्री दयामा हरीश ओम प्रकाश IPS जी उन्हों एक मुहिम चलाई गई है समाज के गलत अंसर नशे के विरुद्ध। उस मुहिम दौरान जरा वा जड़ा इंचार्ज CIA सरजीत सिंह ते SHO कतवाली दी अगवाई दे विच चैकिंग वगैरह चल रही सी, ते एक जगह जड़ा थाना कतवाली दे जड़ा ASI तरसेम सिंह है उन्हें नाका लाया सीगा चौंक मुश्क वेद इत्थे लाया सीगा। उस दौरान एक इतलाह मिली है भई जड़ा सरबजीत सिंह ले सोनू सानू महिंदर सिंह रेजिडेंस ऑफ हुसैनपुर PS सुल्तानपुर लोधी जिहड़ा भी नशा वगैरह करता है ते अपने नशे की पूर्ति वास्ते चोरी चारी करता ते अज वो एक नवा साइकल चोरी करके अपने वेचण वास्ते इधर नूं आ रहा, तो जे नाका चंगी तरह मतलब चैक किया जाए तो वह फड़िया जा सकता। इस तरह नाके नूं चंगी तरह चैकिंग कर रहे थे, एक बंदा आया नवे साइकिल ते स्पोर्ट साइकिल ते आया, तो वह देख के ना एक बिशनपुर सड़क ते उत्थे अपना साइकिल मोड़ के तेजी नाल उधर नूं गया, तो एक सड़ नाल ही लगदी कंध ते एक कोई चीज़ रख के साइकिल ते तेजी नाल भज्जण दी कोशिश की। तो साडा जो नाका पार्टी है उन्होंने उन्हें काबू किया, उन्होंने नां नूं पुछया, तो जिथे उन्हें कोई चीज़ रखी सी चीज़ चैक की, तो वह नशीला पदार्थ सीगा 5 ग्राम हैरोइन सीगी। तो साइकिल बारे पता किया, तो साइकिल बारे भी कोई सही जवाब नहीं दे सकया, तो वेरीफाई करने जो साइकिल जरा चोरी का निकलिया, तो इस तरह होर ज्यादा सख्ती ना पूछगिछ की गई, तो 10 साइकिल होर स्पोर्ट्स मॉडल जोड़े साइकिल से तकरीबन जोड़े महंगी कीमत देने वो बरामद किए, टोटल असी 11 साइकिल बरामद किए। तो एक 379-411 ते 21-885 दे तहत जिहड़ा थाने कतवाली च असीं परचा दर्ज कीता जी। टोटल सर साइकिल किन्नी क लागत सी? ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤਾਂ 10-15,000 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस मौके उन्होंने वालों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ते निशाने साधे गए ने ते प्रधानमंत्री दी सुरक्षा मां कल सिद्धू साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चन्नी साहब का कल मैं एक रैली के अंदर भाषण सुनया, उन्होंने दोवां बिंदुआं दे उत्ते
आई दी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल सिद्धू साहब प्रेस के सामने आए और देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा च हुई चूक से सफाई देन कांग्रेस ने इन्हों अगे किया और सरकार दी ढाल बनन की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने शब्द प्रयोग किए कि देश के प्रधानमंत्री जिन्हें नाटक किया और पंजाब और पंजाबीयत का अपमान किया, मैं सिद्धू साहब नूं ये गल पूछना चाहना कि पाकिस्तान दे जनरल दे नाल बाजवा नाल जफियां पाउण ते इमरान खान नूं अपना वड्डा भरा कहण ते पंजाब अपमानित नहीं सी होया? कल उन्होंने तिरंगे का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन्ने तिरंगे नहीं फराए होणगे जिन्ने पंजाबी जिहड़े तिरंगे च लिपट के आए। मैं यही प्रश्न खड़ा कर रहा कि उस वेले बीजेपी ने कहा सी कि तुसी तिरंगे का अपमान कर रहे हो सिद्धू साहब और तुसी उन्होंने अपना वड्डा भरा कह रहे हो, जफियां पा रहे हो, साडे सैनिक जिहड़े है तिरंगे च लिपट के मातृभूमि की रक्षा करते हुए सीमा की रक्षा करते हुए। पिंड सैदोके विखे सरपंच अमरिंदर सिंह ते समुची पंचायत श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो गए ने। इस मौके साबका खेतीबाड़ी मंत्री जथेदार तोता सिंह ने आख्या कि अकाली दल विच शामिल होने वाले हरेक व्यक्ति नूं बनदा मान सम्मान दिता जाएगा। सारी दी सारी पंचायत नरोल पंचायत साडी जित्ती वी आ, सारी दी सारी पंचायत असीं अज शामिल होए आ। मक्खन बराड़ साहब दा जथेदार तोता सिंह जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्होंने सानू अज इत्थों खड़ा कीता, अज मौका दिता एड्डा वड्डा। आजाद कई पंचायतों ने अकाली दल च शमूलियत की है, किहड़े किहड़े पिंड की पंचायत शामिल? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अज पिंड सैदोके की समुची पंचायत जिहड़ी बड़े शान नाल जीती सीगी, सारी पंचायत जथेदार साहब तोता सिंह जी की अगुवाई दे विच, साहब रजिंदर सिंह की अगुवाई विच अज समुची पंचायत शामिल हुई है। कल्ली सैदोके पिंड दी नहीं, मैं ये दसना चाहुंदा तुहानूं ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਸੈਦੋਗੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਿਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2022 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 2 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜੂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਲਹਿਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ TV ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਜ਼, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।